हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड में जो गणित पढ़ाया जाता है गणित मंथन, उसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 4 है हमारा सर्वसमिका यानी आइडेंटिटीज, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4A में सीखा था ए प्लस बी का होल की और ए क्यू प्लस बी क्यू की कॉन्सेप्ट क्या थी, और एक्सरसाइज 4B में सीखा था हमने ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू की कॉन्सेप्ट क्या थी। आज सीखने वाले हम लोग जो नई कॉन्सेप्ट हमारी होगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि एक्सरसाइज 4C में गिवन। तो आइए समझते हैं एक नई कॉन्सेप्ट को। इस प्रकार से अगर ये गिवन हो तो इसका होल स्क्वायर हम कैसे ओपन करेंगे, बहुत ही आसान। इन तीनों टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जिस प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कहते थे, आपको वही यहां पर भी करना है। 2AB प्लस 2BC प्लस 2C एक चक्रीय क्रम में ABBCCA, देखिए ABBCCA 2AB 2BC n 2C। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, यहां माइनस हो सकता है या यहां माइनस हो सकता है या दोनों ही टर्म माइनस हो सकते हैं या कोई B और C में से एक माइनस हो सकता है या A माइनस हो सकता है। तो होगा क्या, हमेशा आपके जो टर्म स्क्वायर वाले हैं वो प्लस ही रहेंगे, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब यहां कहां पे पॉजिटिव आएगा, कहां नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, उसके लिए आपको साइन सेट आप यहां ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी आपका साइन आना होगा अपने आप आएगा, उसके लिए ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में कुल मिला के 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन उनके पार्ट कितने, पहले में है 11 पार्ट्स, यानी 11 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में 3 है, तो कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन 14 है। हम आपको खास खास कराने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो जो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे उन्हें आप स्वयं भी कर पाएंगे। तो समझते हैं इसका फर्स्ट, ए प्लस 2B प्लस सी 3C का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट हमने ये लिख रखी है इसकी हेल्प से आप ये सब कर पाओगे। तो यहां ए की जगह ए है, बी की जगह 2B है और सी की जगह 3C है, ठीक। जो कॉन्सेप्ट हमने लिख रखी है आप उसको बिल्कुल उसी की तर्ज पर चलेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 2B और सी इज इक्वल टू 3C रखने पर इन चीजों को यहां पर हम पुट करते हैं। तो आपका इक्वल टू सीध में आप इक्वल टू रखिएगा, ए की जगह ए ही रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह रखेंगे 2B का होल स्क्वायर, सी की जगह 3C का होल स्क्वायर प्लस 2A की जगह ए और बी की जगह 2B, इस प्रकार से वैल्यू पुट करें आप, ठीक। इसी प्रकार से आप यहां आ जाइएगा, प्लस 2B की जगह 2B है और सी की जगह 3C है, फिर 2C की जगह 3C है और ए की जगह हमारा ए ही रहेगा, क्लियर। अब आप केवल सॉल्व कर लीजिएगा, इनके जो ब्रैकेट है इनका आपस मल्टीप्लाई कर दो, जहां स्क्वायर हो रहा वहां स्क्वायर कर दो, बस कुछ भी नया नहीं करना आप, देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4B² प्लस 9C² 2 2 4 AB 3 2 6 2 12 BC और ये हो जाएगा आपका 6C। आगे कोई स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना कोई किसी के साथ एडिशन में जा रहा है, ना किसी के साथ सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, ना ही कुछ कॉमन लिया जा सकता। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, समझते हैं सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है 2P - Q - 3R। अब देखो यहाँ माइनस साइन आ गया, तो ऐसा नहीं हम तो प्लस साइन की कॉन्सेप्ट लिखी है आप उसी को समझेंगे, माइनस साइन से कतई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको जहां माइनस आने होंगे वहां आएंगे। तो देखिएगा अब हमको क्या लिखना है, इसमें ए की जगह लिखना है हमको, तो हम लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू 2P और बी इज इक्वल टू -Q और सी इज इक्वल टू -3R रखने पर आप इन वैल्यू को जो ये कॉन्सेप्ट हमने लिख रखी है इसमें रखिएगा। तो जब पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका, ए की जगह रखिएगा 2P का स्क्वायर प्लस बी की जगह रखिएगा -Q का स्क्वायर प्लस सी की जगह रखिए -3R का स्क्वायर। साइन अपनी जगह प्लस ही लगाए आप, कोई साइन चेंज करने की जरूरत है, यहां भी हम प्लस ही लगाएंगे, 2 ए की जगह लिखेंगे 2P और बी की जगह लिखेंगे -Q प्लस 2 BC जगह बी की जगह लिखेंगे -Q और सी की जगह लिखेंगे -3R, लेकिन साइन सेट पुट करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे।
आप जो ये साइन प्लस लगे ये चेंज नहीं करेंगे, और ए बी सी की जो वैल्यू है वो साइन सेट पुट करिएगा। प्लस लास्ट वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3r माइनस का, और ए की वैल्यू है 2p। अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। ये तीनों स्टेप आपके प्लस के आएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन पर हम स्क्वायर लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यानी अपोजिट साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, अर्थात माइनस आएगा। तो माइनस का 4 PQ। अब देखो यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, यानी दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई सेम साइन का मल्टीप्लाई हमारा प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस साइन में आएगा हमारा 6। और यहाँ भी एक माइनस एक प्लस है तो ये माइनस का आ जाएंगे 6 RP। बस इससे आगे आपको नहीं करना है। ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, माइनस का 4PQ, प्लस का 3QR और माइनस का 6, नहीं 3 2 6 और ये 4 और 2 और या 12 आए, 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, 12 RP। तो इस प्रकार से ये सेकेंड हो जाता। समझते हैं नेक्स्ट जो कराने लायक क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट इस प्रकार से है, -2x + 2y - 3x + 2y + z² ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, a की जगह पुट करना है माइनस का 3x, y की जगह b की जगह पुट करना है 2y और c की जगह पुट करना है z। क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे a = माइनस का 3x, b = 2y और c = z रखने पर, जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ए की जगह पुट करेंगे 3x माइनस का 3x का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू इसमें है माइनस की 3x और b की वैल्यू है 2y प्लस 2। अब की बार y z की रख दो 2y इंटू जेड प्लस 2, अब की बार जेड एक्स की रख दो यानी जेड माइनस का 2x। बस एक स्टेप और चलेंगे, यानी दूसरे स्टेप में आंसर आपका आने वाला ये है 9x² हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होंगी, भले ही वो नेगेटिव हो, क्योंकि स्क्वायर होना उनका। प्लस 4y² प्लस z² माइनस 6, 3 2 6 और 2 12 12x। भाई अब आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, तो प्लस माइनस मिलके यानी अपोजिट साइन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर सभी पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा आपका 4yz, यहाँ पर एक नेगेटिव है तो माइनस का 4zx। समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x - 3y + 4 है। डायरेक्टली आप करिएगा, तीन क्वेश्चन हमने करा दिए, आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे क्या है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x² + 9y² + 16। अब देखिएगा 2ab आता, तो 2ab मतलब इनका मल्टीप्लाई, 3 2 6 तो यही हो गया, उसका भी ट्वाइस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस का 12xy। डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब इनके मल्टीप्लाई को करिएगा, इनका मल्टीप्लाई 12 ऑलरेडी हो रहा था, हमें अपनी तरफ से भी 2 लगाने हैं, तो ये 24 हो गया, माइनस साइन है तो माइनस का 24yz। अब देखिएगा 8x मतलब ca, ये तो 8x हो रहे हैं, ट्वाइस अपनी तरफ से करना है, तो 16x + 16s। मतलब आप क्वेश्चन को लिखने के फर्स्ट लाइन में आंसर फाइंड कर सकते हैं, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था 4th, 5th बहुत आसान है, 6th बहुत आसान है, 7th भी आसान है, 8th और करवा रहे हैं। 8th में है xyyz z x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा डायरेक्ट करेंगे, a² + b² + c² दैट इज ये हो जाएगा आपका x² y² y² z² z² x² a² + b² + c² हो गया। अब चलिएगा इनके ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy² z इसी प्रकार से 2, अब की बार z x y z² अब की बार 2 x square y
जेड सभी स्क्वायर हमारे यहाँ पर बाई स्क्वायर आया है, जेड आ गया तब एक्स स्क्वायर आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा और जेड एस, फर्स्ट लाइन में आंसर आपका आ गया। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एट्थ को नोट कर सकते हैं और समझते हैं जो कराने लायक है आपके नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ तीनों पार्ट के हम आपको कराएंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट ये है कि a प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन थ्री का होल स्क्वायर हमको ओपन करना है, डायरेक्ट करेंगे कोई फार्मूला कुछ नहीं, फार्मूला हमारा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, रट के रखिएगा ठीक। चलिए फर्स्ट लाइन में आंसर आने वाला है ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन टू इसका ट्वाइस करेंगे तो अपॉन में जो टू है वो टू से टू हमारा कैंसिल हो रहा है। आप मौखिक समझने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ पाते तो आप ये लिख सकते हो टू ए बी अपॉन टू, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा अब आपकी बार टू बी अपॉन टू सी अपॉन थ्री प्लस टू सी अपॉन थ्री और ए, नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस, ये टू से टू यहाँ कैंसिल हो रहा है केवल हमारा ए बी बचेगा, टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ बचा हमारा बी सी अपॉन थ्री और यहाँ सी ए अपॉन टू सी ए अपॉन थ्री, बस इससे आगे नहीं ठीक। समझ पा रहे होंगे आप, समझते हैं इसका टेंथ पार्ट, तो टेंथ क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमको गिवन है ए माइनस बी अपॉन थ्री प्लस टू सी अपॉन फाइव का हमको होल स्क्वायर करना है, आप डायरेक्टली करिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर ही है, बी स्क्वायर मीन्स है बी स्क्वायर अपॉन नाइन, सी स्क्वायर मीन्स है फोर सी स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस, आप वैल्यू पुट कर लें अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ए ए की जगह ए है बी की जगह है माइनस बी अपॉन थ्री प्लस टू इंटू माइनस का बी अपॉन थ्री इंटू टू सी अपॉन फाइव प्लस टू टू सी अपॉन फाइव इंटू ए टू ए बी टू बी सी टू सी ए, नेक्स्ट स्टेप में आपका जवाब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस फोर सी स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा तो माइनस साइन आएगा प्लस माइनस माइनस टू ए बी अपॉन थ्री, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा टू टू या फोर फोर अपॉन फिफ्टीन बी सी और यहाँ भी आपका हो जाएगा प्लस का फोर सी ए अपॉन फाइव, हो सकता कोई नंबर अगर गलत भी हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए ठीक। तो ये था हमारा टेंथ, इसमें एक पार्ट और है इलेवेंथ, हम उसको भी कराते समझिएगा इलेवेंथ पार्ट, और इलेवेंथ पार्ट क्या है ए माइनस बी अपॉन टू माइनस सी का होल स्क्वायर, तो देखिएगा डायरेक्टली करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस थर्टी सिक्स माइनस नहीं प्लस ही लगाइएगा टू ए की जगह ए है बी की जगह माइनस का बी अपॉन टू है प्लस टू सी की जगह माइनस सी ए सॉरी टू ए बी टू बी सी, बी की जगह माइनस बी अपॉन टू है और सी की जगह सिक्स है माइनस के प्लस टू सी ए यानी माइनस का सिक्स और ए फाइनल में ए ठीक ए बी बी सी सी ए, नेक्स्ट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस थर्टी सिक्स, यहाँ देखिएगा टू से टू कैंसिल हो जाएंगे माइनस का ए बी, यहाँ भी टू से टू कैंसिल हो गया माइनस का सिक्स वी और ये हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व ए, ये ए भी लिख दिया है हमने कहाँ पर, हाँ यहाँ पर ए भी रहेगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा सही है, और यहाँ पर हमारा माइनस का टू से टू कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस का सिक्स भी हो जाएगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा दो प्लस है दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल है तो माइनस रहेगा सिक्स टू या ट्वेल्व ए ट्वेल्व ए ठीक। ये था क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट हमने करा दिए, हमने आपके लिए जो छोड़े हैं वो सरल है उन्हें आप कर सकते हैं, समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन टू जिसमें भी तीन पार्ट गिवेन है हमें, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग अलग गिवेन है, समझते हैं उसकी कॉन्सेप्ट, पहले आप इनको नोट करिए, समझते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन गिवेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, केवल इसको सिंप्लीफाई आपको करना है और
कुछ भी नहीं, हमें क्या करना है यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना, आप पूरा वो काम करेंगे और एक ही स्टेप में पूरा का पूरा करेंगे। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, क्योंकि सभी साइन प्लस हैं तो सब प्लस रहेंगे, इसमें हमारा वाई एक्स वाई और वाई जेड वाला माइनस रहेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस स्क्वायर वाले नंबर प्लस ही रहेंगे। अब आएगा हमारा माइनस का टू एक्स वाई और माइनस का टू वाई जेड प्लस का टू जेड एक्स, क्योंकि एक बार इसका मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, फिर वाई का जेड के साथ हुआ तब भी माइनस, लास्ट वाले पर आइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड, अब देखिएगा प्लस का टू एक्स वाई रहेगा और माइनस का टू वाई जेड रहेगा और माइनस का टू जेड एक्स रहेगा। ठीक, अब केवल हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीन जगह लिखे हुए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स वाई हमारा यहां पर प्लस का है और यहां पर हमारा एक्स वाई माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखना, ये इससे हमारा कैंसिल हो गया, वाई जेड ये हमारा प्लस का और वाई जेड ये माइनस का, ये हमारा इससे कैंसिल, ठीक है, और जेड एक्स ये प्लस का और ये माइनस का, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या है, एक टर्न बचा हुआ है टू जेड एक्स, एक टर्न बचा हुआ है टू एक्स वाई और एक टू वाई जेड बचा हुआ है, यानी प्लस का टू एक्स वाई बचा है, माइनस का टू वाई जेड बचा है और प्लस का टू जेड एक्स बचा हुआ है। ठीक, इससे ज्यादा इसको करने की आवश्यकता नहीं, आप मैच कर लेना, कोई पॉइंट गलत हो या हम पहले मैच ही करते तब फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके है, समझते हैं इसका थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन टू का सेकंड, तो इसका सेकंड पार्ट टू का क्या है कि एक्स थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड और थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस लगा तो हमको करना क्या है, इसको अलग ओपन करना है, इसको अलग ओपन करना है, बाद में ये माइनस साइन बाहर होने की वजह से ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी होगा आपके सामने होगा, देखिएगा इसको हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नाइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फोर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई का ट्वाइस करना तो थ्री टू या सिक्स तो ये हो जाते हैं, ट्वाइस करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा और माइनस का ट्वेल्व रहेगा ये। ठीक है, तो माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई, यहाँ रहेगा माइनस का फोर वाई जेड और ये रहेंगे प्लस के आपके सिक्स जेड एक्स। ठीक, सिक्स जेड एक्स, क्योंकि ये केवल आपके टू जेड एक्स हो रहे हैं लेकिन हमें ट्वाइस भी तो करना है, टू ए भी होता है टू सी ए होता है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ देखो माइनस साइन है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ भी करिएगा हमारा वही रहेगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के ट्वेल्व एक्स वाई, ट्वेल्व एक्स वाई माइनस का फोर वाई जेड और माइनस का सिक्स जेड एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से सभी साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, बस इतना इतने के लिए हमें एक स्टेप और बढ़ाना, तब देखते हैं कौन किससे कैंसिल होगा। तो नाइन एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस साइन होने की वजह से सभी साइन हम चेंज किए दे रहे, तो सभी साइन हमने चेंज करके ये लिख दिया। अब देखिएगा ये जो स्क्वायर वाले नंबर थे वो सभी कैंसिल होकर ही रहेंगे, अब देखिएगा कौन कैंसिल हो रहा है कौन नहीं, ये ट्वेल्व माइनस के हैं, ये भी ट्वेल्व माइनस के, ये हो गए माइनस के ट्वेंटी फोर एक्स बाई, बाई जेड माइनस का है बाई जेड प्लस का है, जेड एक्स प्लस का है जेड एक्स प्लस का, तो ये भी हो गए हमारे ट्वेल्व जेड एक्स। तो यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, अब कॉमन ले लो या ना ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और देखिएगा एक फाइनल थर्ड क्वेश्चन भी है, तो आप कहोगे ये कठिन था थोड़ा इसलिए हमारे लिए छोड़ दिया, हम वो भी आपको बता रहे हैं, समझते हैं इसका लास्ट, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, हमें जगह इसके लिए भी ज्यादा चाहिए होगी, तो समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ माइनस का जेड है यहाँ माइनस का वाई है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर फोर आ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई नंबर पहले से स्क्वायर है और फिर एक बार स्क्वायर करोगे तो पावर उस पर चार आ जाएगी। ठीक, तो डायरेक्टली लिखते हैं, ये हो जाएगी एक्स पावर फोर बाई पावर फोर
जेड पावर फोर प्लस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और कहोगे माइनस क्यों आ गए, जब इनका इनका मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, क्यों कोई माइनस है नहीं, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और जब जेड का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब माइनस होगा, क्योंकि जेड के पास माइनस है। ठीक, अब चूंकि यहां पर माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन यहां लिखते हुए ब्रैकेट लगाएंगे, फिर करेंगे इनका एक्स पावर फोर वाई पावर फोर जेड पावर फोर। अब यहां माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा क्योंकि वाई के साथ माइनस है, फिर अब वाई के साथ माइनस है जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी माइनस का टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा, लेकिन जेड और एक्स का करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है टू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी कुछ भी नहीं कर सकते, केवल ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। चलिए एक्स पावर फोर वाई पावर फोर, हम माइनस साइन की वजह से सभी साइन चेंज करके लिखे जाएंगे। तो देखिए सभी साइन हमने चेंज कर दिए, तीनों साइन नेगेटिव थे तो तीनों पॉजिटिव थे तो तीनों ही हमारे नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब देखिएगा किनसे कौन कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो हमारे स्क्वायर वाले नंबर थे वो तो तीनों हमारे कैंसिल आउट होने ही होने हैं, बच नहीं सकते। ये देखिएगा टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर दैट इज ये हो जाएंगे फोर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, ये बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैंसिल होने होके रहेगा, ये दोनों ही नेगेटिव है तो ये एडिशन हो जाएंगे माइनस के फोर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे कुछ भी नहीं करिएगा। ठीक, लेकिन सरल करने के लिए कहा है तो देख लीजिएगा, अगर कुछ बात बन जाए तो हम क्या करेंगे, यहां से फोर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा हमारा बाय स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, इनको एक बार हम एडिशन कर सकते हैं और एक बार इनका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, अगर आप यहां तक करना चाहो तो कर दो, वैसे आंसर आपका यही आ रहा होगा जहां तक है वहां तक। ठीक, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज फोर सी, हमने एक्सरसाइज भी यहां पर मिटा रखी है, एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फोर सी, एक्सरसाइज फोर सी पढ़ रहे हैं जिसका ये क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट था। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी, अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें और अपने जो दोस्त हैं उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, वो आपकी इच्छा ऊपर डिपेंड करता है, जब आपको ये अच्छा लगेगा समझ में आएगा तो आप वो तो खुद ही करेंगे। इस क्लास में मिलता ही मिलते हैं, इस क्लास में इतना ही मिलते हैं, अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे इसका टेस्ट पेपर यानी दक्षता परीक्षा, एक टेस्ट पेपर भी दिया गया वो भी करा रहे हैं। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।